नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पिनाकल कैरियर इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 24 अक्टूबर 2019 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, वो भी हैंड रिटन या शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहली न्यूज़ है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, और ये जो अपॉइंटमेंट है वो है संजीव नंदन सहाय का। संजीव नंदन सहाय हमारे ऊर्जा सचिव नियुक्त हुए हैं, नए ऊर्जा सचिव नियुक्त हुए हैं। ये उनकी फ़ोटो जो है, संजीव नंदन सहाय ये हमारे ऊर्जा सचिव नियुक्त हुए हैं। ये सुभाष गर्ग का स्थान लेंगे, इन्होंने सुभाष गर्ग का स्थान लिया। और पूर्व में संजीव नंदन ऊर्जा मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थे। सेकेंड न्यूज़ है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जापान के सम्राट नारोहितो के राज्याभिषेक में शामिल हुए। नारोहितो, यह फोटो में आप देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जापान के नए सम्राट हैं और ये वहाँ के 126वें सम्राट हैं। इन्होंने ये पद उनके पिता आकहितो से ग्रहण किया, जो कि 30 अप्रैल 2019 तक जापान के सम्राट थे, और इन्होंने ये पदवी 1 मई 2019 से ग्रहण की है। उस अवधि से ये वहाँ के सम्राट हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना भारत की लक्ष्मी पहल। ये भारत सरकार की एक पहल है महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए। इसके लिए दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु भारत की लक्ष्मी पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। नेक्स्ट न्यूज़ है फोर्थ युद्ध अभ्यास से रिलेटेड, और युद्ध अभ्यास का नाम है सिंधु दर्शन। सिंधु दर्शन भारतीय थल सेना का युद्ध अभ्यास है, जो कि राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। इसमें 40,000 से अधिक सैनिक भाग लेंगे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, सिंधु दर्शन भारतीय थल सेना का युद्ध अभ्यास है और जो कि राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। फिफ्थ न्यूज़ है ओजोन छिद्र से रिलेटेड, और अभी तक का सबसे छोटा ओजोन छिद्र, जो कि 3.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर का है, उसे दर्ज किया गया है, और ये दक्षिणी ध्रुव के ऊपर दर्ज किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका साइज़ कितना है। इसका साइज़ अभी तक का सबसे छोटा है, जो है 3.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना सम्मेलन दोनों ही संबंधित हैं ओजोन संरक्षण से। ओजोन संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 26 अगस्त 1989 से लागू है, और वियना सम्मेलन 1988 से लागू है। सिक्स न्यूज़ है फिर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, और ये है अपॉइंटमेंट सौरव गांगुली का। सौरव गांगुली जो कि BCCI के 39वें अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, और BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में, और क्रिकेट से रिलेटेड एक समिति है लोधा समिति। और सुप्रीम कोर्ट ने लोधा समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए 4 सदस्यीय टीम बनाई थी, जिसमें प्रमुख है विनोद राय। अशोक मलिक विदेश मंत्रालय में नीति सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, विदेश मंत्रालय के नीति सलाहकार। ये फ़ोटो देखिए अशोक मलिक की, जिसे नीति सलाहकार नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके नए CEO नियुक्त हुए हैं पंकज कुमार, तो UIDAI के CEO हैं पंकज कुमार। MCC, जिसका फुल फॉर्म होता है मेलबर्न क्रिकेट क्लब, इसने 2 सदस्यों को आजीवन मानद सदस्य नियुक्त किया है, और इनके नाम है ग्रीम स्मिथ, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, और टिम मे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है विप्रो प्रो कबड्डी लीग से रिलेटेड। प्रो कबड्डी लीग में विजेता रही है बंगाल वॉरियर्स, और इन्होंने हराया है दबंग दिल्ली को। बंगाल वॉरियर्स विजेता हैं, दबंग दिल्ली को हराया, और जो आयोजन किया गया था वो हुआ था अहमदाबाद में। और इससे रिलेटेड 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, या जो इस पुरस्कार प्रदान किए गए, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो नवीन कुमार हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, पवन कुमार हैं बेस्ट रेडर, और फजल अत्राचली हैं बेस्ट डिफेंडर। तीनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं।